हम एक बार चला के देखते हैं फॉर्च्यूनर और आपसे एक्सपीरियंस। मैंने आज भाई फॉर्च्यूनर भी कभी नहीं चलाई, थार भी कभी नहीं चलाई, फॉर्च्यूनर पहली बार चला रहा हूँ। तो सर प्लीज माइंड मत करना सर। नहीं नहीं बिल्कुल। सर अब क्या करना है, ये थोड़ा पियानो सिस्टम थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा नीचे, हाँ चलो नीचे और नीचे, फिर नीचे नेक्स्ट लेवल, एक और नीचे लेवल, हाँ आगे डीपे बस सर, डीपे आ गया, बस डीपे आ गया। ठीक है जी, अब मैं इस गाड़ी को चलाना शुरू करता हूँ। बिल्कुल, ये भी वैसे ही, हाँ बट ये मतलब इसमें मेमोरी फंक्शन नहीं है, दो चीजें बस इसे मिस होती है, मेमोरी फंक्शन होना चाहिए सीट्स के लिए और पीछे की थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट बेटर होती। दैट्स ओनली विश लिस्ट। ये फ्रेंड आज चल रही है फॉर्च्यूनर, 2800 cc का इंजन है इस गाड़ी का। पता नहीं यार मैं पैदाइशी ड्राइवर हूँ क्या, एक बार मैं गाड़ी दे दो चलाने के लिए, लेकिन फीचर बेसिक ही होने चाहिए। तो बेसिक फीचर जब होते हैं तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। ज़्यादा लग्जरी गाड़ी मेरे से चलाई नहीं जाती है, मुझे लगता है यार कोई मैं बटन वटन अगर दबा दूँ और मान लो ऑटो ब्रेक लग जाए तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि भाई मैनुअल गाड़ी हो और कम फीचर वाली गाड़ी हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉर्च्यूनर में इतने फीचर होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन गाड़ी मैंने थार भी चलाई है और ये इसके इसका अलग कंफर्टेबल है, थार का अलग स्टाइल है, स्वैग है थार बेसिकली। लेकिन इसमें क्या है कि लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको चलाने के लिए, बहुत ही कंफर्टेबल है फॉर्च्यूनर मेरे को। सर इसमें जो जो आपका ये जो है हमारा स्टीयरिंग है, हाँ। ये टेलीस्कोपिक भी होगा? नहीं इसमें भी शायद, मेरे को इतना आइडिया नहीं, हाल शायद इसमें नहीं है टेलीस्कोपिक, शायद वो चेक कर लेते हैं अभी, चेक करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि सेट तो हुआ पूरा एक बार, तो जैसे मैं एक्सलेट कर रहा हूँ तो गाड़ी भाई दौड़ रही है। गाड़ी में काफी पावर है, ब्रेक भी अच्छे हैं गाड़ी के इसके। तो ज्यादा सर एंजॉय आप कौन सी गाड़ी करते हो, फॉर्च्यूनर करते हो कि भाई वो जैक? एक्चुअली चलाने में फॉर्च्यूनर थोड़ा सा केयरफ्री है, गुड, अगेन मूड पर डिपेंड करता है टू बी रियली ऑनेस्ट, बट हाँ जितनी कंफर्टेबल इसमें स्पेस जितना है, सीट कंफर्ट जो इसमें है, मेरे हाइट के हिसाब से दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल कार। बट अगर मैं ड्राइविंग प्लेजर देखूँ तो मे बी ऑब्वियसली वो एक अलग सेगमेंट है, बट हाँ मतलब ड्राइविंग सिटी ड्राइव वगैरह के लिए आई वुड प्रेफर टू ड्राइव माय जैगुआर सम एक्सटेंट, बट स्पेस जितनी इतनी है, ओवरऑल कंफर्ट फैक्टर ज्यादा इसका डेफिनेटली। तो जैगुआर सर आपने जो खरीदी है वो तो बहुत कम लोग खरीदते हैं गाड़ी सर। हाँ, बहुत पहले खरीदी हमने, तब बहुत पहले का 5 साल हो गए। ओके, तो सर उसकी कॉस्ट क्या थी? सेम 44 थी उस वक्त। अच्छा अच्छा सर, अब तो जैगुआर है ही। ये लाइट सर आपने ली इसकी? हाँ इसकी ऑटो, इसकी ऑटो लाइट, ऑटो है लाइट भैया। जैसे डार्क हुआ अंधेरे में वो लाइट अपने आप ही जल गई है इसकी। ये बड़ा अच्छा फीचर होता है, जब भी आप कभी गुजरते हो पुल के ना सबवे से गुजरते हो तो लाइट अंधेरे में अपने जल जाती है, आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल हाँ। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ के ये मालूम नहीं पड़ रहा मेरे को कि ये बहुत बड़ी गाड़ी है, मैं मोड़ूंगा कैसे इसमें, उतना ही कंफर्ट लग रहा है कि मैं जैसे ये पार्किंग करना है गाड़ी को बहुत आसान है, मतलब इसका टर्निंग रेडियस वगैरह आई डोंट नो टेक्निकली क्या होता है, बट इसको पार्क करना एक्चुअली छोटी गाड़ी से ज्यादा इजी है। मुझे लगता था कि बड़ी गाड़ी है तो दिक्कत होगी पार्किंग, बट एक्चुअली सबसे कम दिक्कत इसी में आती है। नहीं गाड़ी का जो कंट्रोल है ना वो बहुत ही अच्छा है इसका। मुझे लगा था इतनी बड़ी गाड़ी है इधर उधर भागेगी, नहीं भाग नहीं रही है। गाड़ी बिल्कुल ऐसे आपके कंट्रोल में है और इसका स्टीयरिंग भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही और ज्यादा हैवी नहीं है। आई थिंक ये इलेक्ट्रिकल है सर कि हाइड्रोलिक है? हाइड्रोलिक ही है। अच्छा, लेकिन है बड़ा इजी। एक्चुअली बड़ी गाड़ी में थोड़ा सा हैवी स्टीयरिंग होना चाहिए, मतलब वो फील भी आती है और थोड़ा कंट्रोल ज्यादा रहता है, बिकॉज़ अगर हम हाई स्पीड पे चलाएंगे अभी इतना फर्क नहीं लगता, लेकिन एज यू गो टू द हाई स्पीड तब आई थिंक थोड़ा हार्ड स्टीयरिंग जरूरी होता है टू कीप। सर मैं मेरा भी यही मानना है कि हैवी गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग हैवी होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, जिससे कि आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार ये गाड़ी ना बड़ी है, वो भी प्लस अगर आप हल्का लोगे तो गाड़ी हिलेगी, वो आपकी कंफर्ट हमेशा का, एक बार स्टीयरिंग हिल गया तो आपको फिर कंफर्ट वहां पे थोड़ा सा। जी जी जी, इसको आप 100-150 पे चलाओगे तो गाड़ी बिल्कुल नहीं हिलेगी, आप एकदम इसको लेके जाओ हाईवे पे आपको पता ही लगे, आप कभी यू नो जो उसका बीप बजती है आजकल 120 पे तो पता लगता है। जी जी, नहीं तो हाईवे पे आपको पता नहीं लगेगा कब पहुंच गए आप, मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी, नहीं सर लेग रूम भी इस गाड़ी में काफी अच्छा है। हाँ, मैं तो बड़ा कंफर्टेबल तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे कि घर में बैठा हूँ डाइनिंग टेबल पे। बिल्कुल हाँ, सोच के मिली थी बस। हाँ ऐसे लग रहा है,
और उसका जो बोनट भी इजिली दिख जाता है। आज भाई हमने चला ली है आपकी, वो भी चला ली है, फॉर्च्यूनर भी चला ली है, और थार भी तो आप देख ही चुके हैं, थार पहले वो भी सर की थी। तो सर एक बात बता, जब ये गाड़ी आपने खरीदी थी तो वही आपने ये पैडल शिफ्टर इसमें तो हाँ जी है, इसमें पैडल शिफ्टर भी है, पैडल शिफ्टर इसमें हाँ पैडल शिफ्टर भी है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इससे भी ड्राइविंग थोड़ी इजी रहती है। वो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने टायर है ना वो सामने शो हो रहा है कि मैंने टायरों को गलत तरह खड़ा किया हुआ है। अब वो टायर देखिए बिल्कुल सामने हो गए। ये इस गाड़ी में ही मैंने देखा है, मैंने जितनी गाड़ियाँ चलाई हैं आज तक किसी गाड़ी में भी ये वाला फंक्शन मैंने आज तक नहीं देखा है। टाइम लगा था इसको ढूंढने में, ये फीचर भी अच्छा ढूंढना पड़ता है ऊपर नीचे करके। ओके ओके ऑप्शन में तब मैं दो तीन दिन काफी दिक्कत होती जब तक ये फीचर नहीं था मेरे पास। बिल्कुल सर, इसका कैमरा देख सकते हैं रिवर्स करके कैसे क्वालिटी कैसी है। ये कैमरा इसका ठीक है सर, कैमरा तो हाँ कैमरा का ठीक है, विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं है, लाइंस होती तो थोड़ा सा एडवांस कैमरा होता तो इट वुड बीन गुड। मुझे तो ये सही लगता है, मुझे तो वो अभी दिखाऊंगा आपको मैं, वो लाइन है मुझे रेड की प्रियो, मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ कैसे करना है। लेकिन जितनी इस गाड़ी के अंदर जरूरत है आदमी को वो सारी चीजें अवेलेबल है, ये चीज चाहिए होती सर। तो फ्रेंड ये मेरा था फॉर्च्यूनर का जो मैंने ड्राइविंग एक्सपीरियंस लिया है, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी मेरे को। तो मतलब मुझे लगता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाएंगे कैसे, लेकिन इन गाड़ियों के अंदर इतने फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि आप गाड़ी को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी गाड़ी है टोयोटा की ये। अब मैं सर से पूछता हूँ, सर एक बात बताओ, जब ये गाड़ी आपने खरीदी थी तो आपने अपनी कराई थी पीडीआई भी? हाँ इसमें पहले हमने इसकी पीडीआई कराई थी पहले। ओके थार से पहले आपने इसकी कराई थी? पहले की अप्रैल में ये ली थी, पहले हमने ये ली थी फिर कराई थी, तो पहले इसी कराई थी। इसी में हमने टायर का जो पता लगा था कि इसका टायर थोड़ा पुराना है, 8-9 महीने पुराना टायर है, जबकि बाकी टायर एकदम ब्रांड न्यू थे। स्टेपनी का जो टायर था पुराना था तो वो पता लगा था, वो मैंने चेंज करा लिया था वहाँ पे। अच्छा वो जकार्डो के थ्रू आपको पता चला था, तभी आप जकार्डो के फैन हो गए, इसलिए हर गाड़ी लेने पर जकार्डो बुलाते हो। थोड़ी सी बताई थी जो हमने तो एक्चुअली उन्होंने आप काफ़ी जो बताई थी, अगर मैं पिकी होता तो शायद मैं वो भी करता। जैसे उन्होंने बताया था कि छत के ऊपर दो जगह पे छोटे छोटे पेंट चिप्स हैं, इतना डिटेल में देखिए उन्होंने। अच्छा तो मुझे मैं कभी छत नहीं देखा होगा, मैंने कहा इसके लिए गाड़ी वापस करना थोड़ा सा अनरीजनेबल है, कुछ बोलो कोई पेंट करो फिर से, थोड़ा सा मैं छोड़ दिया। पर टायर वगैरह था इसमें चेंज करा लिया, रबर ख़राब होता है टायर का, फिर क्या फ़ायदा उसको रख के। तो सर ये जो कंपनी वाले होते हैं ऑब्जेक्शन नहीं करते कि यार आपने कौन बुला लिया पीडीए वगैरह करने के लिए? तो फॉर्च्यूनर में कभी ना थार में दिक्कत करी उन्होंने ना फॉर्च्यूनर में, मतलब तो करिए कि मेरे को मेरे बिहाफ पे अगर मैं भाई देखना चाहे मेरा तो मैंने प्रोफेशनल हायर किया, हाउ कैन दे स्टॉप मी, इट्स इंस्पेक्शन, अ प्रोफेशनल पर्सन इज इंस्पेक्टिंग योर कार, मतलब मैं तो गाड़ी लूंगा नहीं मगर वापस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अगर किसी कंपनी को अगर मेरे को इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जो भी चीज़ ले रहा हूँ उसको मैं इंस्पेक्ट भी करा पाऊँ, मैं करूँ कोई भी करूँ उनको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए उससे, तो फिर तो मैं काफ़ी मेरा कंफर्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस कंपनी के साथ कि आप मेरे को ये भी अलाउ कर रहे हैं कि मैं किसी से चेक भी करा लूँ, मतलब फिर तो भाई मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ। नहीं नहीं सर ये गाड़ी है अभी बिल्डर के फ्लैट थोड़े मैं लेने ही पड़ेंगे जो ड्रॉ में निकल गया। मैं तो इनफैक्ट मैं तो ये लगता है कि घरों के अंदर भी इंस्पेक्शन कराने पहले आर्किटेक्ट को ले जाना चाहिए, इतनी सारी गलतियाँ निकलती हैं। हम घर में घुसे अपने देखा कि यार यहाँ से ये लीकेज हो रही है, वहाँ पर कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से तो उसके लिए भी एक आजकल वो भी पीडीए हो जा रही है, उन्हें इधर पीडीए है उन्होंने जो उसकी पीडीए है जो हर महीने बिल्डर के देखे कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है, क्या पिलर में भैया स्ट्रेंथ है नहीं है, हर महीने तो ना करें एटलीस्ट पोजीशन के टाइम पे जो छोटी भी चीजें हैं वो पता लग जाए, ये लिस्ट बन गया तब तक तो बिल्डिंग बन चुकी होगी। हाँ तो चेंज कर दो थोड़ा सा टाइलिंग चेंज करेंगे। तो सर फॉर्च्यूनर जो आपने इसकी जकार्डो से कराई थी तो चार्ज कितना किया उन्होंने इसके लिए? अरे वो एक ऐसे वो 2.5-3 मेरे को ज़्यादा कितना याद नहीं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, नॉर्मल चार्ज करते हैं वो 2.5-3 सारी था, ऐसा कुछ बहुत तो 5 से नीचे था जो भी आई थिंक। अच्छा काम मैंने बड़ी गाड़ी है सर। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो फ्रेंड्स जकार्डो का मैं लिंक अपने ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप भी जकार्डो से कुछ सर्विस लेना चाहते हो, नई गाड़ी खरीद रहे हो या सेकंड गाड़ी खरीद रहे हो या कुछ भी कराना चाहते हो या सर्विस के लिए जा रहे हो, आपको डाउट है तो जकार्डो की सर्विस ज़रूर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जकार्डो से ज़रूर फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, मोबाइल नंबर भी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगता है देन गो फॉर इट, चॉइस इज़ योर्स। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग कौशिक व्लॉग्स।